हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गोठाने, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दाल ढोकला, तो इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। सबसे पहले हम लेंगे चना दाल एक कटोरी, एक कटोरी चावल और आधा कटोरी उड़द दाल ली है। इसे 2 से 3 घंटे हमने भिगो के रखना है, बाद में पीस लेना है और ओवरनाइट इसे रख देना है। रखने के बाद इस तरह से बैटर हो जाएगा। सबसे पहले हम गैस शुरू कर देते हैं। कुकर में हमने पानी डाल के रखा है और इसमें जो छलनी है उससे ऊपर 1/2 सेंटीमीटर तक पानी रहना चाहिए और पानी को बॉईल होने देते हैं। हमने कुकर के बर्तन में तेल लगा के रखा है। सबसे पहले हम अदरक, मिर्ची और जीरा डाल के जो पेस्ट की है इसमें डाल देते हैं। इससे बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी और हल्दी पाउडर हमने 2 चम्मच लिया है। इसे पहले हम मिक्स कर लेते हैं। इस तरह ये बैटर वाटर कंसिस्टेंसी इस तरह होनी चाहिए। थोड़ा हमने इसमें छाछ भी डाल के रखा था रात में। अभी इसमें डालते हैं इनो फ्रूट सॉल्ट। और ये छाछ है, थोड़ा सा छाछ डालते हैं, इस तरह ये फर्मेंट हो जाएगा। वाटर कंसिस्टेंसी हमारी इस तरह रहनी चाहिए। अभी हम इसमें डाल देते हैं। इस तरह अभी से हम कुकर में रख देते हैं। हमने विसल निकाल दी है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं। हमने 20 मिनट रखा था इसे, अभी और 20 मिनट इसे ठंडा होने देते हैं। अभी हम कुकर खोल देते हैं। 20 मिनट हमने रखा था। वाह, देखिए कितना अच्छा हो फूल गया है। अभी से हम इसके कड़े निकाल लेते हैं। गरम है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अच्छे से हो गया है ये। निकालने के बाद थोड़ा ठंडा होने दीजिए। इस तरह से इसके पीसेस कर लेते हैं। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। हमने इसे कुकर में 20 मिनट रखा था ठंडा होने के लिए। गैस बंद करने के बाद और 20 मिनट रखना है। अभी इसका तड़का बनाते हैं। अभी गैस चालू कर देते हैं। इसमें डालते हैं तेल, कोई भी रिफाइन ऑयल आप डाल सकते हो। थोड़े से हम राई डाल देंगे। हाँ,
अभी इसमें डालते हैं तिल, कड़ी पत्ता और मिर्ची। गैस मैंने बंद किया है और थोड़ा सा हींग, और ये तड़का डाल देते हैं और तड़का हम डाल देते हैं और थोड़ा सा धनिया। इस तरह से हमारा स्पॉन्जी हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा हो जाता है। अभी सर्विंग बाउल में हम निकाल लेते हैं। इसमें डालते हैं धनिया और ग्रीन चटनी के साथ और छाछ के साथ इसे सर्व करते हैं। ये गुजरात के ट्रेडिशनल ढोकला है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा आने वाला वीडियो आप देख सकें। थैंक यू।